माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में सीजीपीएससी प्यून भर्ती का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं 25/9/2022 को, उसमें हमने जीएस के प्रश्नों का पहले पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में जो ओवरऑल जीएस के प्रश्न हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं, उनका आंसर की देखेंगे। 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस से पूछे गए थे। आगे के प्रश्न का आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये 2600 प्रश्न हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यह प्रश्न है कि भारत के संविधान के जनक कौन है। क्या आंसर है, भारत के संविधान का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुका है कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर है भारत एशिया महाद्वीप में है, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29वां प्रश्न है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि सफेद रंग किसका प्रतीक होता है। जी हाँ, सफेद रंग किसका प्रतीक होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, शांति का प्रतीक होता है सफेद रंग। 31वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बरगद, बी ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद है अगला 32वां प्रश्न कि शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो शहीद दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है यहां पर 30 जनवरी को। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही आंसर यहां पर होगा। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो डांग यहां पर आंसर है सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इसके बाद यहां पर एक है कि 34वां प्रश्न कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाटिक शेर के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा आंसर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है कि मानव के शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, तो मानव के शरीर में कुल 206 अस्थियां अर्थात हड्डियां पाई जाती है, इसका आंसर बी सही है। अगला है 36वां प्रश्न की 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाए गए हैं 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद 37वां प्रश्न है कि भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। जी हाँ, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, अब ये यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि वनडे क्रिकेट विश्व कप जीता है कि T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है। अगर वनडे की बात करेंगे तो वनडे में 2 जीता हुआ है, और अगर T20 में बात करेंगे तो 1 जीता हुआ है, तो 3 भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। जैसे सीजीपीएससी द्वारा सही आंसर लिया जाता है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल वनडे की बात करेंगे तो 2 जीता हुआ है, T20 में देखेंगे तो 1, और ओवरऑल कितने जीते हैं, तो 3 जीता हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिलाकर अभी तक 3 विश्व कप जीत चुका है। अगला 38वां प्रश्न है कि 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है चेन्नई, ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में कमल मंदिर लोटस मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। यहाँ पर है अगला प्रश्न कि एक लीप वर्ष में 1 वर्ष होता है, तो लीप वर्ष हर चौथे वर्ष में आता है, और वो दिन होता है 366 दिन का, सामान्य रूप से 365 दिन का दिन होता है,
लेकिन लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है और एग्जाम का लेवल आपने दिलाया है। आपको कैसा लगा? सरल लगा, कठिन लगा, सामान्य लगा? इसको आप एक बार फीडबैक जरूर दें और आप अपना आंसर मैच करें। जो ऑस्कर पुरस्कार है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है 42वां प्रश्न और ये प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी किस नदी को कहा जाता है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है यहाँ पर गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? जी हाँ, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। सरदार सरोवर डैम जो कि गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर। इसके बाद आ चुका है 44वां प्रश्न जो कि उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जनजाति समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। इनके इसके पूर्व वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो आपको डाउट होगा दो राज्य में, किसमें? उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा का पहले था तो उड़ीसा ऑप्शन में है नहीं। तो वो किसके राज्यपाल थे? झारखंड के थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल होगा। यहाँ पर अगला 45वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ये प्रश्न है कि आनंद विश्वनाथन किस खेल से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर है डी ऑप्शन शतरंज। आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है, डी ऑप्शन सही आंसर है। कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था चीन के वुहान में। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया गया है कि प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर है सिरपुर का जो मंदिर है वो महानदी के तट पर है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसके बाद 48वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न है कि भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है लागू हुआ था 1950 में। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है 49वां प्रश्न कि मारो फिरंगी को ये किसका नारा है? ये पूछा हुआ है 50वां प्रश्न और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन मंगल पांडे। तो 49 प्रश्न हो चुके हैं और ये लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है कि छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट, तो ये जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? इसको पूछा हुआ है इस एग्जाम में। तो ये इसका सही आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन बिलासपुर में है खूटा घाट जलाशय। तो हमने 25 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस और 25 प्रश्न ओवरऑल सामान्य ज्ञान के प्रश्न का आंसर की देख लिए हैं। आगे के प्रश्नों का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।